हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हम लोग इस सेशन में करेंगे बिहार समग्र। बिहार समग्र का ये सेशन में हम लोग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। इससे पहले हम लोग एंशियंट और मिडिवल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये सेशन जो होगा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप जैसा कि जानते हैं, अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो मॉडर्न से रहेगा। तो आप अगर एंशियंट का और मिडिवल का देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, बिल्कुल आपको एग्जाम में उससे हेल्प होने वाला है और सबसे ज़्यादा हेल्प होगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। तो ये बिहार ओरिएंटेड बिहार का रहेगा, जो कि बिहार समग्र बुक से है केबीसी नैनो के द्वारा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए, टाइम बहुत कम बचा है। जैसा कि आप सभी को पता है, 7 मई को संभावित तिथि दी गई है। काफ़ी डिले हो गया है इस बार 67th बीपीएससी, तो अब डिले नहीं करना है, फटाफट हम लोग रिविजन करेंगे। और कुछ कारणवश मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लेके नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन प्रयास रहेगा मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सेशन लेके आऊँ ताकि आपको एग्जाम से पहले सारा ये कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, मैं कोशिश करता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने का। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार। हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे ताकि एक भी कुछ भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। तो इसमें जो देखिए सबसे पहले है वो है अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स इन बिहार। तो जो जितने भी ट्रेडर आए थे, यूरोपियन ट्रेडर बिहार में, उनके बारे में एक एक करके देखेंगे और इस तरह के सेशन आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरह से आपका बहुत ही जल्द मॉडर्न हिस्ट्री जो है बिहार का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को पूरा देखिएगा तभी आपको फायदा होगा, क्योंकि बीपीएससी फेमस है फैक्ट्स पूछने के लिए। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको खुद उसको हाईलाइट कर दूंगा, मार्क कर दूंगा, आप बस सेशन को सुनते जाइए और देखते जाइए। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, बिहार हैड बिकम फेमस इंटरनेशनली सिंस 17th सेंचुरी फॉर द ट्रेड इन द साल्ट पीटर। पुर्तगीज वेर फर्स्ट टू विजिट बंगाल। तो ये देखिए किस लिए फेमस है, साल्ट पीटर की, जिसको कि सोरा बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द ट्रेड सेंटर वाज हुगली इन द वेस्ट बंगाल। तो उस समय जो ट्रेड सेंटर था वो क्या था आपका, और देखिए पहले कौन आए थे, सबसे पहले ध्यान रखिएगा पुर्तगीज आए थे फर्स्ट टू विजिट बंगाल, क्योंकि उस समय बिहार बंगाल सारा एक ही था। और जो ट्रेड सेंटर था वो आपका कहाँ था, तो वो था आपका हुगली। और ये देखिए ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, ये आई थिंक 65 में या 66 में किसी में पूछा गया है, देख लीजिएगा। इन 1632 डच फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश इन पटना, यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो इस तरह के जितने फैक्ट्स रहेंगे मैं उसको अलग से जोड़ देकर, हाईलाइट कर मार्क कर मैं बताते रहूंगा आपको। तो बस सेशन को आप सुनते जाइए, देखते जाइए, और पसंद आए तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इट्स साइट वाज द प्रेजेंट नॉर्दर्न बिल्डिंग इन पटना कॉलेज। तो ये जो फैक्ट्री का साइट कहाँ था, तो ये जो अभी प्रेजेंट में पटना कॉलेज है उसका जो उत्तरी बिल्डिंग है, नॉर्दर्न बिल्डिंग है पटना कॉलेज का, उसी में था। बिहार कॉन्टैक्ट विथ यूरोपियन नेशंस वॉज मेनली कमर्शियल बिकॉज ऑफ हर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है, यहाँ पे समझाने का बात रहेगा, मैं समझाऊंगा, बाकी आप सुनते जाइए, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपको उतना तो समझ में आ ही जाएगा। बिहार वाज सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर कॉटन। तो देखिए किस किस चीज का सेंटर था, कॉटन क्लॉथ का, सिल्क गुड्स का, ओपियम का, सुगर का, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था वो साल्ट पेटर, यानी कि सोरा का। विच वाज यूज एज ए प्रिंसिपल इनग्रीडियंट्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द गन पाउडर। तो देखिए इसका जो साल्ट पेटर है इसका यूज क्या होता था, तो प्रिंसिपल मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स था किसका, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग होता था गन पाउडर, गन पाउडर का ये मेन इंग्रेडिएंट्स था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इट वाज मोस्टली फ्रॉम बिहार दैट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एक्सपोर्टेड दिस आर्टिकल। नेक्स्ट है आपका, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट्री ऑफ पटना। तो देखिए वो तो था आपका डच का 1632 में, अब है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश की फैक्ट्री पटना में, तो ये किया गया 1857 से 1858 के बीच में।
ट्रेवनियर हु स्टेड एट पटना फॉर 8 डेज, 21 से 28 दिसंबर 1665। राइट्स, द डच कंपनी हैज एन एस्टेब्लिशमेंट देयर एन अकाउंट ऑफ ट्रेड इन सॉल्ट पेपर विच इट रिफाइंस एट अ लार्ज विलेज कॉल्ड, तो ये कहाँ था, छपरा में था। सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा 10 किलोमीटर एबव पटना। नेक्स्ट है आपका, लेटर इन 1724 to 1725 द डेन्स स्टार्टेड फैक्ट्री इन पटना, तो डेन्स ने कब किया, तो ध्यान रखेगा ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा आप। देखिए डच 1632, फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1657 से 1658, और फिर आपका ये हो गया डेंस कब, 1774 से 1775 के बीच में, तो पटना में बनाया गया था एट नेपाली कोठी में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह के फैक्ट्स पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं बीपीएससी में प्रीवियस एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए एक टेबलर फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं, जिससे रिवीजन करना आसानी होगा आपको। तो डच जो फैक्ट्री स्टेब्लिश हुआ था 1632 में कहाँ, तो पटना में। ईस्ट इंडिया कंपनी 1657-58 में, ये भी पटना में। डेंस ये था आपका 1774-75, ये भी पटना में। और फ्रेंच फैक्ट्री यहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार, तो देखिए कैसे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट करता है बिहार में। तो देखिए 1717 में इन द 1720 इम्पेरर फारूक शियार इशूड, क्या इशू करता है, फरमान, ध्यान रखिएगा इसको, टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय विच द कंपनी वाज परमिटेड टू कैरी ऑन ट्रेड इन बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो ये जो 1717 में फारूक शियार के द्वारा जो फरमान दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उससे क्या हो जाता है कि वो ट्रेड कर सकते हैं कहाँ कहाँ, तो ध्यान रखिएगा बंगाल बॉम्बे मद्रास, और बिहार जो था वो बंगाल के अंतर्गत ही आता था पहले, तो इनको ट्रेड करने का मिल गया कस्टम ड्यूटी फ्री, कोई एक तरह से कहिए कि टैक्स नहीं देना था, वो ये तीनों जगह आराम से ट्रेड कर सकते थे। तो ये फरमान मिला किसके द्वारा, फर्रुख सियार में, कब मिला, 1717 में, किसको मिला, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। बस इतना ही आपको याद रखना है, 4-5 फैक्ट्स। हर जगह आपको जो फैक्ट्स रहेगा मैं आपको बताते जाऊंगा, बस उसको आप सुनते जाइए याद करते जाइए। द कंपनी वॉज ऑल्सो परमिटेड टू मिंट इट्स ऑन क्वाइन, अपना एक तरह से कहिए करेंसी इशू करने का भी इनको परमिशन मिल गया। तो आइए आगे देखते हैं अब इसमें, तो द नवाब ऑफ बंगाल हाउ एवर शोड स्केर्स रिगार्ड फॉर द इम्पीरियल फरमान। अब है इसमें आगे, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुगल फरमान डिक्लेरेशन ऑफ 1770 बाय ब्रिटिश एंड देयर मिस यूज ऑफ द दस्तक और फ्री पासिस वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, ये जो हुआ था आपका 23 जून 1757 में। तो इसका जो उनको परमिशन मतलब ये मिला था फरमान, एक तरह से जो डिक्लेरेशन मिला था उसका, वो मिस यूज करने लगे थे, उसी के कारण कारण बस ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 23 जून 1757, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है इसमें, इट वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश फोर्सेज, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच में हुआ था प्लासी का पहला युद्ध, तो ब्रिटिश फोर्सेस, तो उसके लीड करने वाले कौन थे, तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव एंड बंगाल फोर्सेस लेड बाय नवाब सिराजुद्दौला। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा कि ब्रिटिशर की तरफ से कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे, और बंगाल फोर्सेस की तरफ से थे नवाब सिराजुद्दौला थे। नेक्स्ट है इसमें, इन दिस बैटल ओनली 65 मैन वेयर लॉस्ट फ्रॉम द इंग्लिश साइड एंड अबाउट 500 मैन वेयर लॉस्ट फ्रॉम द नवाब साइड। तो इस युद्ध में देखिए 65 लोग मरे थे अंग्रेज की तरफ से, 500 मरे थे नवाब की तरफ से। नेक्स्ट है, दिस बैटल हैड एंडेड विद इन अ डे, और एक दिन में ही खत्म हो गया। मोस्ट ऑफ द फोर्सेस ऑफ नवाब डिड नॉट पार्टिसिपेट, नवाब कमांडर इन चीफ मीर जाफर सेट असाइड एंड एडवाइज टू नवाब रिटर्न टू हिज प्लेस द सेफ्टी। एक ही दिन में लड़ाई खत्म हो जाती है, और ये जो मीर जाफर था उनका चीफ कमांडर, वो एक तरह से बगावत कर देता है और उनके और इनको बोलता है कि नवाब को रिटर्न होने के लिए। ओनली टू कमांडर्स मीर मादन एंड मोहन लाल, सब नाम को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन, मीर मदान एंड मोहन लाल फॉट सिंसियरली, ये जो दो थे वो सिंसियरली लड़ाई किए थे। अमी चंद या उमी चंद, जगत सेठ, घसीटी बेगम, मानिक चंद,
ऑलरेडी ज्वाइंट हैंड्स विद द क्लाइव, ये जितने लोग थे सब क्लाइव से मिल लिए थे, मतलब एक तरफ से उनके तरफ हो गए थे क्लाइव की तरफ। नेक्स्ट इसमें नवाब सिराजुद्दौला वाज कैप्चर्ड, इसको कैप्चर्ड किया गया एंड असैसिनेटेड बाय सन ऑफ मीर जाफर जिसका नाम था मीरान, एंड ब्रॉट एन एंड ऑफ द बैटल ऑफ लाशी। तो सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है किसके द्वारा, सन ऑफ मीर जाफर के द्वारा, और फिर इस तरह से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। द बैटल ऑफ लासी पेव्ड द वे फॉर द ब्रिटिश मास्टरी ऑफ बंगाल एंड द इवेंचुअली होल ऑफ इंडिया। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ड्रेन, देखिए इसी को बोला जाता है इस युद्ध को, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा इस लाइन को, दैट इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। नेक्स्ट है इसमें आपका After the Battle of Plassey, मीर जाफर 1757-60 में बिकम द क्या हो जाता है, वो नवाब बन जाता है कहाँ का, बंगाल का, एंड ही वॉज एन इनकम्पिटेंट पर्सन एंड थ्रू आउट हिज रीजन ही रिमेंड मियरली ए फिगर हेड वाइल द रियल पावर वॉज एन हैंड्स ऑफ, तो ये सिर्फ एक तरह से पपेट के तौर पर काम किया, कौन, मीर जाफर, और असली जो पावर था वो क्लाइव के हैंड में ही था, ध्यान रखिएगा इसको। ही ग्रांटेड द राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, और ये जो क्या किया, फ्री ट्रेड करने के लिए राइट दे दिया बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, किसको, तो ब्रिटिशर्स को। आफ्टर द डेथ ऑफ द मीर जाफर सन्स मीरान, ये जब मर जाता है तो मीर कासिम द नवाब नवाब सनिल्ला वांटेड टू बी नॉमिनेटेड एज हियर, तो ये मरने के बाद बनता है नवाब कौन, तो मीर कासिम बनता है, ध्यान रखिएगा ये मीरान जब मर जाता है तो। अब आगे है आपका मीर कासिम, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, 1760-64 के बीच में, वन ओवर द काउंसिल एंड एश्योर्ड द इंग्लिश दैट ही वुड गिव मोर देन व्हाट मीर जाफर हैड गिवन देम। इन सितंबर 1760 ही एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद द कंपनी एग्रीड टू पुट हिम ऑन थ्रोन, तो फिर कंपनी इसको गद्दी पे बैठा देता है। इन रिटर्न मीर कासिम ग्रांटेड द जमींदारी ऑफ वर्धमान, और उसके रिटर्न में जमींदारी और वर्धमान दे देता है एंड मिदनापुर एंड चितगांव टू द ब्रिटिश ऑफिसर, जो ये तीनों जगह का जो जमींदारी था वो किसको चला जाता है, तो वो अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। बिसाइड्स पेइंग देम ₹2.9 million, इंग्लिश सून डिस्कवर्ड दैट मीर कासिम वाज अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन एंड वुड नॉट अलाउ टू कंपनी टू यूज हिम एज अ प्रोटीज टू द प्रीवियस नवाब्स एंड डन। Immediately on becoming the Nawab of Bengal, Mir Qasim began to exercise his power. जैसे ही नवाब बनता है वो अपना पावर दिखाने लगता है, पहले की तरह अंग्रेजों को छूट नहीं रहता है। He introduced several revenue and military reforms. तो इन्होंने क्या करता है, बहुत सारे रेवेन्यू रिफॉर्म और मिलिट्री रिफॉर्म्स करता है टू स्ट्रेंथन हिज पोजिशन। हिज रीजन सॉ द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब एंड द ब्रिटिश ऑफ द सोवरियन पावर। सोवरियन पावर को लेकर अंग्रेजों के बीच में और नवाब के बीच में हमेशा तनातनी बनी रहती थी। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। मीर कासिम जो था, मीर कासिम वो क्या किया था, कैपिटल जो था उसको मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया था, ध्यान रखिएगा इसको, कब किया गया था, तो 1762 में। ही स्टॉप्ड द मिसयूज ऑफ द दस्तक Free passes allowed to the company and abolished all duties on the internal trade against British. This is in order to the order date of the Indian trader. Indian trader come to 1763. Next important है, important है. This becomes the all become at all the battle of Buxar, जो कि 1764 में हुआ था. नहीं हुआ था ये 1764 बक्सर, तो ये देखिए उसका important यहाँ पे था. चलिए इसको मैं फिर से इसको बता देता हूँ इस पॉइंट को, कि बैटल ऑफ बक्सर होने का कारण क्या था। तो देखिए वो क्या किया था, मीर कासिम स्टॉप कर दिया था मिसयूज ऑफ दस्तक, जो कि फ्री पासेज अलॉट टू द कंपनी दिया गया था, एंड एबोलिस्ट ऑल ड्यूटीज ऑन इंटरनल ट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिश विच इज इन ऑर्डर टू द प्रोटेक्ट द इंडियन ट्रेडर्स। तो वो जितना भी एक तरह से कहिए कि जो भी प्रिविलेज मिला था ब्रिटिशर्स को, उसको मीर कासिम के द्वारा बंद कर दिया जाता है, तो इससे ब्रिटिशर्स नाराज हो जाते हैं और यही कारण बनता है आपका बैटल ऑफ बक्सर का, जो कि 1764 में हुआ था। व्हेन द इंग्लिश वाज, आप देखिए इसमें किसके द्वारा लीड किया गया था, तो इंग्लिश आर्मी लीड किया गया था मेजर एडम्स एंड
मेजर क्नूक्स के द्वारा। कॉन्सिक्वेंटली कैप्चर्ड मुंगेर एंड पटना। मीर कासिम लेफ्ट बिहार, तो ये इनके द्वारा बिहार पटना और मुंगेर को कैप्चर कर लिया। मीर कासिम क्या करता है, बिहार को छोड़ के अवध चले जाते हैं। ही मैनेज टू सिक्योर सपोर्ट फॉर एम्परर शाह आलम टू एंड नवाब शुजाउद्दौला ऑफ अवध। तो ध्यान रखिएगा, शुजाउद्दौला है, इससे पहले जो मिला था वो सिराजुद्दौला था। बाय पेइंग देम 10 लाख एंड 17 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे वो उनसे हेल्प ये करते हैं, सपोर्ट मांगते हैं। नेक्स्ट आगे, ही देन प्रोसीडेड टू बिहार। ऑन द अदर हैंड, मेजर हेक्टर मुनरोबाज नाउ द हेड ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। उसके बाद क्या होता है, मेजर हेक्टर ब्रिटिश आर्मी का हेड बन जाता है। ए बैटल फॉट ऑन बक्सर। तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था लड़ाई, तो बक्सर में ये लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। अब किसके किसके बीच में हुआ था, तो बिटवीन द ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर द मेजर हेक्टर मुनरो। तो देखिए बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिशर्स की तरफ से थे मेजर हेक्टर मुनरो एंड द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ, देखिए इधर से कौन था, दूसरी पार्टी की तरफ से कंबाइंड फोर्स था मीर कासिम का, शुजाउद्दौला का एंड शाह आलम टू का। ब्रिटिश वॉन द बैटल डिसिसिवली, काफी अच्छे तरीके से वो डोमिनेट करके जीत जाते हैं। दिस विक्ट्री मेड द ब्रिटिश डी फैक्टो रूलर, तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा, जो कि यहाँ डुअल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट अब इसमें है, तो ये फैक्ट इसमें याद रखिएगा, डेट कौन रिप्रेजेंटेटिव था किसके तरफ से। अब आगे है इसमें, मीर जाफरबाद रीइंस्टीटेड एज द नवाब, फिर से मीर जाफर बन जाता है। एंड वो क्या होता है, मर जाता है 1765 में। फिर क्या होता है, नजमा उद्दुल्ला 1765 से 1772 मेड नवाब बनता है। तो यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है, आगे देखिए, ही रिमेंड ए पपेट। तो उसके बाद जो नवाब बनता है ये नजमा उद्दुल्ला, वो भी पपेट के तौर पे काम करता है इन हैंड्स ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फिर क्या होता है, 1972 ही वाज ए पॉइजन्ड ऑफ व्हेन कंपनी टू ओवर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ बंगाल। घर देके मार दिया जाता है और कंपनी डायरेक्ट चार्ज ले लेता है। क्लाइव रिटर्न टू इंग्लैंड इन फरवरी 1760 आफ्टर हिम वंशीस्ट्राट बिकम द गवर्नर ऑफ कलकत्ता। उसके बाद क्लाइव के बाद ये बनता है वंशस्ट्राट कलकत्ता गवर्नर। एंड क्लाइव रिटर्न इन मई 1762 सर्व हिज सेकंड टर्म। फिर से क्लाइव आता है 1765 में सेकंड टर्म सर्व करने के लिए एज गवर्नर अटिल वो 1767 तक वो रहता है। इमीडिएटली आफ्टर हिज अराइवल क्लाइव मेड ए सेटलमेंट विथ नवाब शुजाउद्दौला ऑफ अवध एंड द मुगल एम्परर शाह आलम टू। दिस स्टेटमेंट इन नॉन है, तो देखिए एक एग्रीमेंट करता है जिसको बोलते हैं, और किसके किसके बीच में होता है, क्लाइव और मुगल एम्पायर शाह आलम टू और शुजाउद्दौला के बीच में, तो इसी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 का। इन 1765 होता है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। द टर्म्स ऑफ ट्रीटी वेयर, अब देखिए ट्रीटी का क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन था, तो देखिए शुजाउद्दौला गॉट बैक हिज किंगडम अवध एक्सेप्ट हिज डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कारा एंड अलाहाबाद ऑन पेमेंट ऑफ ₹50 लाख। तो उसको ये किंगडम दिया जाता है अवध का, और ये दो डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर जो कि कारा एंड अलाहाबाद था, ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज कितने पे, 50 लाख का। दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारा एंड अलाहाबाद वेयर गिवेन टू मुगल एम्पायर, ये दोनों मुगल एम्पायर को दे दिया जाता है शाह आलम टू को। नेक्स्ट है इसमें आपका, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ दिस ट्रीटी वाज ए ग्रांट ऑफ दीवान ऑफ बंगाल। जो काफी इसमें इम्पोर्टेंट क्या था इस एग्रीमेंट में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, ग्रांट ऑफ दीवानी है बंगाल का वो दिया दे दिया जाता है किसको। तो देखिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ ट्रीटी वाज द ग्रांट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा कंपनी को मिल जाता है इसका, दीवानी राइट्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि पैसा सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। अब देखिए अब है इसका आउटकम्स ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। आउटकम्स क्या होता है बैटल ऑफ बक्सर का, द इंग्लिश हु हैड बीन डिफैक्टो मास्टर्स ऑफ बंगाल, तो वो बंगाल के डिफैक्टो मास्टर बन जाते हैं और ये बने रहते हैं 1757 तक, नाउ बिकम इट्स डी जूरे मास्टर्स। और 1757 के बाद बन जाते हैं वो डी जूरे मास्टर। तो ये दोनों टर्म जो है वो याद रखिएगा, डी फैक्टो कब बोलते थे और डी जूरे कब बोलते थे। दस इट केम टू हैव ए कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू ऑफ बंगाल,
तो इससे उनको रेवेन्यू का पावर मिल गया, सारा जो भी कलेक्शन होगा टैक्स वगैरह उनके हाथों में जाएगा। कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। सो द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट स्टार्टेड, और इसी की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन इनके जो रूलर थे उनको मिल गया और रेवेन्यू मिल गया इनको अंग्रेजों को, तो इसीलिए इसको डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते थे। द एक्चुअल वर्क ऑफ सिविल क्रिमिनल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड बाय द नवाब। देखिए जैसे मैंने पहले बताया आपको, जो क्रिमिनल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल वर्क था वो नवाब के पास रहा, बट द रियल पावर वेस्टेड विद द कंपनी। यानी रियल पावर मतलब एक तरह से कहिए कि पैसा जिसके पास है रियल पावर उसी के पास रहेगा। द कंपनी हैड एक्वायर्ड दीवानी राइट्स, राइट्स टू कलेक्ट कलेक्ट एंड एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर द रेवेन्यू विद द सिविल जस्टिस। नेक्स्ट आपका, द कंट्री वाज ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर्स एंड कंफ्यूजन। इन बिहार द न्यू ऑफिसर्स फेल टू रिस्टोर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एंड द वेरियस क्रॉस करेंट्स इन पॉलिटिक्स कंटिन्यूड। देयर वाज ए घास्टी सेंस ऑफ द एनार्की, कंफ्यूजन, ब्रेवरी ब्राइबरी, करप्शन एंड एक्सटॉर्शन इन बिहार। ये सब काम होने लगा था, तो ये एक समझने का चीज़ है, इसमें याद करने लायक कुछ नहीं है, बस आप देखते जाइए। आफ्टर द जहाँ पे रहेगा कि पीटी में, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें इंपॉर्टेंट है, तो मैं बिल्कुल उसको हाईलाइट करके बताऊंगा आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर मीर जाफर अपॉइंटेड हिज ब्रदर मीर मोहम्मद कासिम खान एज ए डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार एंड लेफ्ट राजा धीराज नारायण, ब्रदर ऑफ राजा राम नारायण एंड हिज दीवान धीरज नारायण रिमेंड दीवान फॉर 2 ईयर फ्रॉम नवम्बर 1763 टू सेप्टेम्बर 1765। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट था मैं काफ़ी अच्छे से उसको आपको बताने का प्रयास किया हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल मैं उसको मार्क कर दिया हूँ, बस आप उस पॉइंट पे ध्यान दीजिए और उसको याद कीजिए जो पीटी इम्पोर्टेंट है। बाकी तो नाम आपको इतने मिलेंगे कि आप सबको याद रख पाना भी मुश्किल है, तो जो प्रीवियस में जिस जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पे मैं जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, बस आप उसको याद करते जाइए और इसको रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए आप, और उसके बाद जो जो मार्क किया हुआ फिर से एक बार आप फिर से देख के उसको रिवाइज कर लीजिए, बिल्कुल आने वाले कुछ दिनों तक तो आपको वो फैक्ट याद रहेगा। तो सक्सेस का एक सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविजन कीजिए तभी आप रिकॉल कर पाइएगा चीज़ों को, नहीं तो आप एक तरह से पढ़िएगा दूसरी तरफ से भूल जाइएगा। ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, बिल्कुल आप ही के जैसा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन सितंबर क्या है, डार्ची इन बिहार, इन सितंबर 1765 क्लाइव्स डिसमिस्ड एंड पेंशन ऑफ मिस्टर, जो ये पेंशन दिया जाता था उसको ऑफ कर देता है, कासिम एंड पुज धीरज नारायण हिज प्लेस, राजा सिताब राय वाज एसोसिएटेड विथ हिम एज अ दीवान। धीरज नारायण वाज नॉट एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, ही वाज ए डिसमिस्ड फ्रॉम ऑफिस सितंबर 1766 एंड राजा सिताब राय वाज मेड नायब नजीम ऑफ बिहार। नेक्स्ट है इसमें, हिज प्लेस एज ए एजेंट ऑफ द एम्पायर वाज टेकन बाय मुनीर उद दौला। देखिए इसमें बहुत कहानी है, बस एक बार आप देख लीजिए, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताते जाऊंगा, बाकी आप छोड़ते नहीं है इसको, क्या पता कहीं से क्वेश्चन पूछ ले। जो देखिए, फाउंडर ऑफ द भिकना पहाड़ी नवाब फैमिली। नेक्स्ट है आपका, इन 1766 क्लाइव हेल्ड कांग्रेस एट छपरा, तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। हिज वाज अटेंडेड बाय द शुजाउद्दौला एंड द एनवॉयज ऑफ द एम्पायर द जाट राजा एंड रोहिला चीफ्स। ट्रीटी वाज इंटर्ड इनटू बिटवीन दिस पार्टीज ऑफ द म्यूचुअल डिफेंस अगेंस्ट द एग्रेशन ऑफ द मराठास। बिहार फाउंड ए वॉच टावर ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग हिस पीरियड ऑफ द टर्मोइल इन नॉर्दर्न इंडिया, बट द कंपनी ट्रूप्स देन स्टेशन इन बिहार ऑपरेट्स द कॉमन पीपुल इन वेरियस वेज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेचर ऑल्सो बिकम क्रूअल इन दिस ईयर ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन द टेरिबल फेमाइन ऑफ, तो ये इंपॉर्टेंट है देखिए, 1769 टू 70 जो सूखा आया था काफ़ी वो हरासफुल था, कॉज्ड अनटोल्ड मिजरी एंड डिस्ट्रेस टू द पीपल, थाउजेंड ऑफ हुम प्रिस्ट ड्यू टू द स्टारवेशन, भूख के कारण मर गए बहुत हजारों लोग, एंड लैक ऑफ एडिक्वेट रिलीफ मेजर्स ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की तरफ से भी उनके लिए कोई राहत कार्य नहीं किया गया,
ये काफी हॉरिबल और टेरिबल था ये जो सूखा था। अ चेंज वाज इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 1770 एंड ए प्रोविंशियल काउंसिल वाज अपॉइंटेड इन बिहार। तो 1770 में एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज होता है और वहाँ एक प्रोविंशियल काउंसिल अपॉइंट किया जाता है। इट कंसिस्टेड एज जेम्स अलेक्जेंडर एज ए प्रेसिडेंट, उसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है जेम्स अलेक्जेंडर को, एंड रॉबर्ट पार्क एंड जॉर्ज वनस्टेड को एज ए मेंबर अलॉन्ग विद द राजा सिताब राय। इंडियन जो थे इसमें राजा सिताब राय थे। नेक्स्ट है द काउंसिल वाज टू कंट्रोल रेवेन्यू। काउंसिल का काम क्या था? रेवेन्यू को कंट्रोल करना। तो जेम्स अलेक्जेंडर वाज ट्रांसफर टू मुर्शिदाबाद इन 1771 एंड रिचर्ड बर्वेल सक्सीडेड हिम एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ द रेवेन्यू एट पटना। तो 1777 में क्या किया जाता है कि अलेक्जेंडर को भेज दिया जाता है कहाँ? मुर्शिदाबाद। और फिर उसके बाद रिचर्ड बारवेल को बनाया जाता है पटना का प्रेसिडेंट, जो काउंसिल बना था उसका। नेक्स्ट है फिर जॉर्ज वेंसिस्ट्रेट सक्सीडेड, अब उसके बाद ये बारवेल बना था, उसके बाद जॉर्ज वेंसिस्ट्रेट बन गए प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। कब बने? तो 1772 में। नेक्स्ट ईयर वेंसिस्ट्रेट वाज सक्सीडेड बाय द थॉमस लेन, उसके बाद फिर ये बन गया हु रिमेंड एट द पटना टिल 75 तक रहा। वेन फिलिप मिलर ड्रेक्स द रिलीव्ड हिम। देखते जाइए, जो इतना इतना नाम आपको याद नहीं रखना है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ दिस 5 ईयर ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग 1776 आइजक सैक्स टुक चार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। बहुत लोग आए हैं, आप कितनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें सेज वाज सक्सीडेड बाय द इवन लॉ हु रिमेंड इन द पोस्ट टिल 1780। फिर नेक्स्ट है 1781 पटना काउंसिल ऑफ रेवेन्यू वाज एबोलिस्ट। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1781 में जो पटना काउंसिल ऑफ रेवेन्यू वाज था उसको एबोलिस्ट कर दिया एंड विलियम मैक्सवेल बिकम द रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार। आफ्टर डेथ ऑफ द सिताब राय वॉरेन हेस्टिंग्स अपॉइंटेड हिज सन कल्याण सिंह इन सितंबर 1773 एज दीवान। सिताब राय के मृत्यु के बाद उनका बेटा को बना दिया जाता है 1773 में दीवान। द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लेफ्ट इन द चार्ज ऑफ काउंसिल। हेस्टिंग्स अपॉइंटेड द ख्याली राम एंड साधु राम एज द नायब दीवान अंडर द कल्याण सिंह। नेक्स्ट है ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द रेवेन्यू काउंसिल ऑफ बिहार इन 1781 रेवेन्यू फार्मिंग फॉर बिहार वाज इंस्ट्रस्टेड ऑफ टू कल्याण सिंह। फिर आगे बोलता है कल्याण सिंह कुड नॉट सक्सेसफुली, वो सक्सेसफुली कलेक्ट नहीं कर पाता है इन द रेवेन्यू इन द परगनाज इंस्ट्रस्टेड टू हिम, जो उसको दिया जाता है। सेवरल स्टेट्स वेयर टेकन अवे फ्रॉम हिम एंड प्लेस्ड अंडर द डायरेक्ट मैनेजमेंट। कल्याण सिंह डाइड, मर जाता है 1822 में एंड कलकत्ता बिकम बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिंस अर्ली पीरियड ऑफ देयर रूल डिसकंटेंटमेंट हैड इवन द एवरीवेयर। देयरफॉर द ब्रिटिश हैड फेस सेवरल रेजिस्टेंस विद द रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रिंग द बिहार। अब देखिए ये सब के कारण जो एक तरह से सप्रेस किया जाता है, जो भी प्रताड़ना और बहुत सारे एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, ब्रिटिश से जो क्रश किया गया था उसके कारण बहुत सारा एक तरह से जो रिवोल्ट के तौर पे फिर उभरेगा, जहाँ से क्वेश्चन प्रायः पूछे गए हैं। तो इसमें ये जो इधर था वो कहानी था, बाकी इम्पोर्टेंट जो था आपका मैंने ऊपर ही मार्क कर दिया। तो अब देखिए जो बहुत सारे रिवोल्ट हुए और ये वो, तो उनको पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। तो अभी इसमें देख लेते हैं जिसमें पहला था हिलमेंस रेजिस्टेंस। तो ये हिलमेंस रेजिस्टेंस क्या है, आइए उसको देखते हैं। हेस्टिंग ट्राइड टू ब्रिंग अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल्स द हिलमेंस ऑफ राजमहल। जो राजमहल पहाड़ी में जो लोग रहते थे उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया। हु वेयर टू ओपन आर्म्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट आर्म्स उठा लिया सरकार के खिलाफ। इट टुक मेनी मोर ईयर टू ब्रिंग द हिली ट्राउट ऑफ हिज पार्ट ऑफ द बिहार अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ न्यू गवर्नमेंट हुज प्रीडिसेसर्स मुगल्स हैड नॉट बीन सक्सेसफुल आइदर। तो इनको कंट्रोल करने में काफी ये मुश्किल हुआ, बहुत समय लगा तब बिहार के अंतर्गत कंट्रोल में आया। तो इसमें कुछ खास नहीं था। अब यहाँ से देखिए ये जो है आपको समझाने का प्रयास है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछे गए हैं, पूछे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। तो ये देखिए कब हुआ, ये देखिए
कब हुआ था? 1977 to 1995 के बीच में हुआ था। आपके पैरिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस टू द कंपनी ऑथोरिटी वाज आल्सो ऑफर्ड ड्यूरिंग दिस इयर्स बाय अ क्लास ऑफ पीपल डिस्क्राइब्ड इन द कंपनी रिकॉर्ड्स एंड अदर अकाउंट एज सन्यासी रेडर्स। इट टूक प्लेस अराउंड द मुर्शिदाबाद एंड द बैकुंठपुर फॉरेस्ट ऑफ द जलपाईगुड़ी। कहाँ पर ये हुआ था सन्यासी विद्रोह जो बोलते हैं या अपराइजिंग, तो ये जो मुख्यतः था मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर फॉरेस्ट जो जलपाईगुड़ी के अंतर्गत आता है वहां था ये इसका मेन सेंटर। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू बैंड्स एंड मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस हरासिंग द न्यू एलियन एडमिनिस्ट्रेशन। द पूर्णिया एरिया वाज फ्रीक्वेंटली सब्जेक्ट टू द इनकर्शंस ऑफ द सन्यासीज हु केम फ्रॉम दिनाजपुर रंगपुर एंड मालदा। तो देखिए ये पूर्णिया जो बिहार का क्षेत्र है, बाकी ये जो सब था वो बंगाल का था। देयर मूवमेंट कंटिन्यूड टिल दे वर फुली सप्रेस। जब तक इनको फुली सप्रेस नहीं किया गया तब तक ये इनका मूवमेंट कंटिन्यू रहा। अब आगे जो है इसमें आपका डिसकंटेंटमेंट ऑफ द लोकल किंग्स, इसमें आइए देख लेते हैं। द इंसर्क्रेशन ऑफ द राजा चैत सिंह ऑफ द बनारस हैड द रेपरकशन ऑन द एडजॉइनिंग प्रोविंस ऑफ बिहार। सम ऑफ द जमींदार ऑफ बिहार डिसकंटेंट विद द इंग्लिश कंपनी रोज अगेंस्ट इट एंड सपोर्टेड द कॉज ऑफ द चैत सिंह। नेक्स्ट आपका पीताम्बर सिंह ऑफ द फैमिली ऑफ द टिकारी जो कि अभी गया डिस्ट्रिक्ट में बिहार का राजा वॉज द मोस्ट intimately connected with the Chait Singh and his dependents were remarkably good soldiers. He had also a number of the horsemen and his pay. Raja of the Hathwa, jo Hathwa hai, Fateh Singh also traveled the company. He refused to accept the Diwani rights of the company. Several Jamindars and others of the adjudication of the revenue of chief of the Patna armed and clothes their dependents to in the military accountments of the company. Raja Akbar Ali Khan of the Narhat and the Samai, जो कि गया डिस्ट्रिक्ट में आता है, presently in the Nawada district. अभी at present क्या है Nawada district में. Also rose against the company. देखिए जो जो इसमें था कि जो जो government के खिलाफ विरोध किया उनका है, ज्यादा कुछ important है नहीं यहाँ पे. अब उसके बाद relation with Nepal. The relation between Nepal and Bihar formed an important phase in the political history of this period. They are used to the clashes between the Gorkhas and the English during his the period become the Gorkhas occasionally encroaches on is the northern frontier of the Bihar and also interrupted Bihar's age long commerce with the Nepal and Tibet. The unsettled frontier between the Nepal and North Bihar caused frequent troubles from 1768 onwards. अब देखिए यहाँ तक ये हो गया रिलेशन विद नेपाल। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है वो देखिए, एंग्लो नेपाल इस बार काफी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था जिसको कि गोरखा वार भी बोलता है, गोरखा वार जो कि 1814 to 1816 के बीच में हुआ था, फॉट व्हेन लॉर्ड हेस्टिंग वाज गवर्नर। और ये कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा जब हेस्टिंग गवर्नर था। तो आपको इसमें याद ये रखना है कि एंग्लो नेपाली वार को ही गोरखा वार या गोरखा वार कहते हैं, जो कि 1814 से 16 के बीच हुआ था और जब ये लड़ा गया था तो गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इसमें हुआ क्या था देखिए, ब्रिटिशर्स वेयर सक्सेसफुल इन दिस वार, सक्सेसफुल रहे, और ट्रीटी ऑफ सगौली 1816 में हुआ था, एंडेड द एंग्लो नेपाली वार। और ये किस तरह से ये वार खत्म होता है तो देखिए ऊपर में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैं ज्यादा उसको आपको जोर नहीं दिया, क्योंकि एक लिमिट तक ही आप डेटा याद कर सकते हैं। तो मैं इसको छोड़ा इसलिए नहीं कि एक बार देख लेने से शायद कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे है, इससे मैं वो आपको काफी अच्छे से करा रहा हूँ। तो ये जो वार था आपका एंग्लो नेपाली वार जो कि गोरखा वार होता है, वो किस तरह से एंड हुआ, तो वो हुआ ट्रीटी ऑफ सगौली से। और ये ध्यान रखिए ट्रीटी ऑफ सगौली कब हुआ था, तो 1816 में हुआ था। और इस प्रकार एंग्लो नेपाली वार एंड हो गया।
अब है आपका नूनिया विद्रोह, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस सेशन का ये आखिरी टॉपिक है, और जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा ट्राइबल, ट्राइबल से रिलेटेड, ट्राइबल अपराइजिंग, यानी कि जितने भी रिवोल्ट हुए थे ट्राइबल रिलेटेड, उनका मैं एक एक करके काफी अच्छे से बताऊंगा, जहां से आपका 2 से 3 क्वेश्चन, या दो तो, एक तो फिक्स है, एक से कम तो कभी ऐसा कोई बीपीएससी हुआ ही नहीं जिसमें कि ट्रैवल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो आप उस सेशन को जरूर देखिएगा, बहुत ही जल्द वो सेशन आपको मिलेगा। तो चलिए उससे पहले हम लोग नूनिया रिवोल्ट देख लेते हैं, जो कि 1770 से 1800 के बीच में हुआ था, एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी 1757। बिहार वाज अ मेजर सेंटर ऑफ द साल्टपीटर इंडस्ट्री, साल्टपीटर वाज यूज्ड इन मेकिंग द एम्यूनेशंस, हाजीपुर, तिरहुत, सारण एंड पूर्णिया वेयर द मेजर सेंटर ऑफ द साल्टपीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो सोरा या साल्टपीटर का जो उत्पादन होता था, प्रोडक्शन होता था, वो कहाँ किया जाता था, तो उसका मेन सेंटर था हाजीपुर, तिरहुत और सारण और पूर्णिया, यानी मेनली रूप से उत्तरी बिहार। और उत्तरी बिहार में भी ये जो आपका, मान लीजिए ये बिहार दो पार्ट में है, ये उत्तरी बिहार है, ये दक्षिणी बिहार, तो ये देखिए कौन कौन सा जगह है, हाजीपुर, हाजीपुर मान के चलिए कि ये पटना के आसपास है, फिर ये तिरहुत ये वाला रीजन हो गया, सारण इधर छप ये हो गया, और इधर पूर्णिया इधर हो गया, तो ये मेनली रूप से ये रीजन जो था आपका यहाँ पे होता था साल्टपीटर। ध्यान रखिएगा इसको, एक मोटा मोटी लोकेशन रखिएगा डिस्ट्रिक्ट का, तो उससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप लोकेशन अगर ध्यान रखिएगा तो उससे भी काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। द नोनियाज वे आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ द कलेक्टिंग साल्टपीटर सॉयल, तो ये नोनिया कौन लोग थे, ये इनके द्वारा कलेक्ट किया जाता था। द मीडिएटर्स यूज टू द परचेज रॉ साल्टपीटर, मीडिएटर क्या करते थे, साल्टपीटर परचेज करते थे वेरी लो प्राइस पे, बहुत सस्ते दामों पे नोनिया से खरीद लेते थे, और जो अंग्रेजों को बेचते थे वो फैक्ट्रीज को, वो काफी हाई प्राइस पे बेचते थे, दस अर्निंग हेफ्टी प्रॉफिट्स, तो उनको कुछ विशेष जो एक्चुअल में जिनको प्रॉफिट होना चाहिए था, मतलब अभी के तौर पे जैसे देखा जाए किसान जो फसल को उपजाते हैं उनको उनका उपज का सही मूल्य नहीं मिलता है, लेकिन बीच में जितने मीडिएटर हैं उनको सेल करते हैं, मार्केट तक पहुंचाते हैं, उनको काफी प्रॉफिट होता है। तो कुछ ऐसा ही था कि नोनिया जो इन्वॉल्व थे साल्टपीटर प्रोडक्शन उत्पादन में, तो उसमें जो उनको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था या अर्निंग होनी चाहिए थी वो नहीं होता था, तो इसके कारण एक तरह से ड्यू टू दिस एक्सप्लॉयटेशन द नोनिया जस्ट स्टार्टेड सेलिंग रॉ साल्टपीटर टू द अदर्स ट्रेडर, तो वो क्या करने लगे, उनको जब लगा कि ये बीच का जो बिचौलिया है वो खुद का फायदा तो कर रहा है लेकिन हमें नहीं हो रहा, तो वो क्या किया, अलग अलग ट्रेडर को बेचने लगे गुप्त रूप से, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वे हैड ए फेस ऑपरेशन फ्रॉम द कंपनी, तो जब इसी कारण से जब डायरेक्ट मतलब इधर उधर बेच देते थे अपना प्रॉफिट के चक्कर में, तो कंपनी को जब पता चला तो वो उसको सप्रेस करने का प्रयास किए। तो इस प्रकार ये जो पहला सेशन था मॉडर्न बिहार का, मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का, वो कंप्लीट हुआ, और काफी कुछ जो इम्पोर्टेंट था आप जहाँ जहाँ मार्क किया हो चाहे तो आप एक अलग नोट्स के तौर पे आप लिख सकते हैं, रिवीजन करने में काफी इजी होगा। अब इस प्रकार हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा नेक्स्ट सेशन काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्राइबल रिवोल्ट, जिसमें कि आपका जितने भी बिहार और झारखंड पहले बिहार में था, तो धाल रिवोल्ट, पहाड़िया रिवोल्ट, तमार रिवोल्ट, तिलका मूवमेंट, भूमिज रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट, ये जितने भी हैं, हो रिवोल्ट, और उसके साथ में फिर संथाल रिवोल्ट हो गया, फिर मुंडा रिवोल्ट हो गया, इस तरह से बहुत सारे रिवोल्ट हुए हैं, जहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको पूछा गया है प्रीवियस के सेशन में, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पेंट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, तो पसंद आएगा तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।